गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो आज एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया, देखेंगे कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, मार्केट कहाँ से बाउंस बैक कर सकती है, कौन सा सपोर्ट एरिया होगा, कौन सा रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा। उससे पहले हम आज देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी का ये चार्ट मैंने वनडे का लगा के रखा हुआ है, और ये वनडे के चार्ट में देखिए यहाँ पर जो अपने कैंडल देखने को मिली है, तो ये कैंडल ने जो हमारी प्रीवियस कैंडल है, सबसे पहले प्रीवियस कैंडल को देखिए, प्रीवियस कैंडल का ना तो हाई ब्रेक किया और ना ही लो ब्रेक किया। अब यहाँ पर देखिए नीचे लो है जो हमारे पास प्रीवियस डे का जो लो था, वो ऑलमोस्ट एक बिल्कुल सपोर्ट के आसपास जा करके 35,250 के आसपास हमारे पास ये सपोर्ट एरिया था। तो देखिए ये ब्रेक होना जरूरी है अगर अपने मार्केट को नीचे की तरफ जाना है, तो ये वाला एरिया ब्रेक होना जरूरी है, और अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ का मूव करना है तो ये वाला एरिया ब्रेक होना जरूरी है। ध्यान से सुनिए, अगर मार्केट ने नीचे की तरफ जाना है, एक अच्छा ट्रेंड अपने को मिलना, अगर मार्केट देना चाहती है, तो मार्केट को यहाँ पर नीचे की तरफ आना होगा, मींस मार्केट को ये लेवल ब्रेक करना होगा, और ब्रेक करके फिर नीचे की तरफ आएगी तो अपने को अच्छा मूव मिलेगी। दूसरा, अगर मार्केट यहाँ पर जो हमारे पास इस रेड कैंडल का जो हाई लगा हुआ है, इस रेड कैंडल के हाई को यहाँ पर मार्केट ब्रेक करे और ब्रेक करके इसके ऊपर आए, इसके ऊपर आने के बाद ये अपने को बहुत अच्छी मूव मिलने वाली है। अदरवाइज जब तक मार्केट इस एरिया में रहने वाली है, तब तक मार्केट में भी एक रेंज में ट्रेड कर सकती है, तो ये टाइम थोड़ा टफ होने वाला है। यहाँ पर थोड़ा संभल के ट्रेड करना है। इंट्राडे के अपने को देखिए क्या करना है, इंट्राडे के अपने को सपोर्ट ड्रॉ करना है, इंट्राडे का रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। मान लीजिए ये मार्केट की मूव होगी 11 बजे तक। अब 11 बजे तक जो मूव हो गई, आपने यहाँ पर डे लो डिफाइन कर लिया, डे हाई डिफाइन कर लिया। अब जब भी मार्केट आपको नीचे की तरफ मिलती है, बाइंग के लिए फोकस करना है, जब भी ऊपर कितनी मिलती है सेलिंग के लिए फोकस करना है। बहुत बड़े ट्रेंड के लिए अपने को यहाँ पर होल्ड नहीं करना है। देखिए मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर हम बाइंग की तरफ जा रहे हैं तो अपने को बहुत बड़े ट्रेंड के लिए नहीं जाना है। मे बी अपने को अगर मार्केट हम सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं, ऊपर तक आ जाती है, तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि यहाँ से अगर हम वेट करने लगेंगे तो एक तो हमारा प्रीमियम डीके हो जाएगा, एक्सपायरी का दिन है, दूसरा क्या है हमारा जो प्रॉफिट है वो कम होता जाएगा। तो रेंज मार्केट में अपने को इस तरीके से ट्रेड करना होता है, रेजिस्टेंस पर बाय करना है या सपोर्ट पर बाय करना है, और जैसे ही प्राइस ऑलमोस्ट जाकर के दूसरे लेवल को टेस्ट करें, वहां पर अपने को एग्जिट करना होता है, प्रॉफिट बुक करना होता है। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में चल के देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से फाइनली ट्रेड किया। अब देखिए यहाँ पर मैंने कल आपको दो प्लान बताए थे कि मतलब यहाँ पर अपने को बाइंग और सेलिंग किस तरीके से एक्टिव हो सकती है। एक मैंने आपको ये वाला लेवल बताया था, ये जो नीचे वाला हमारे पास लेवल है, ये सारा लेवल, तो ये लेवल बताया था अगर मार्केट अपने को इसके पास मिलती है तो क्लियर कट अपने को बाइंग के लिए देखना है, ऊपर की तरफ मार्केट जाए, या तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन हो या फ्लैट ओपन हो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो इस एरिया में सेलिंग के लिए देखना है, ऊपर तो गए नहीं तो ऊपर की बात ही नहीं करेंगे। इस एरिया में अगर ओपन होती है तो यहाँ पर अपने को फ्लैट ओपन हो, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ कोई ब्रेक डाउन दे तो अपने को सेलिंग के लिए देखना है। बट मार्केट ने ना इस लेवल को टेस्ट किया ना ही इस लेवल को टेस्ट किया। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये जो लेवल था, ये लेवल ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि टेस्ट हुआ अपने को मार्केट में, पहला ट्रेड यहाँ पर मिला। 5 मिनट में करके दिखा दूंगा, 5 मिनट पहले जो है अपने को मॉर्निंग स्टार कैंडल मिली। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक क्यों किया, क्योंकि ये जो एरिया था ये हमारा लास्ट स्विंग एरिया था, ये वाला एरिया फोकस करिएगा, ये वाला एरिया हमारा लास्ट स्विंग था। सो मार्केट ने इस एरिया में आकर के पहले तो मार्केट एक गैप डाउन के साथ ओपन होता है, ओपन होने के बाद इमीडिएटली अपना डे हाई ब्रेक करता है। डे हाई का ब्रेक करना मतलब इट मींस नॉट इजी, ये बहुत अच्छा मतलब बाइंग प्रेशर आता है तब जाके डे हाई ब्रेक होता है। तो यहां जाकर के पहला ट्रेड एक्टिव होता है बाइंग के लिए, मतलब यहां पर हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं, अब ये टारगेट हमारा ये वाला होने वाला है, मे बी जो यहां तक हमारा देखिए, अब टारगेट तो हमारा ये वाला है, बट अपने को सिग्नल देखना कि मार्केट अपने को सिग्नल कहाँ पर दे देती है। तो उसके लिए अपने को क्या करना होता है, अपने को यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है, ट्रेंड लाइन कहाँ ब्रेक हो रही है वहाँ पर अपने को निकल जाना होता है। सो इस तरीके से ट्रेडिंग करनी होती है। कई लोगों के मेरे को DM आए थे, मैसेज आए थे, तो चलिए मैं चीज़ें वो भी धीरे धीरे लेकर के आऊँगा, समझाऊंगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, कहाँ पर अपने को रेंज मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मार्केट अपना ये अपना डे लो बनाती है और मार्केट यहाँ पर अपना डे हाई बनाती है। डे हाई बनाने के बाद मार्केट देखिए अगेन नीचे की तरफ आती है, ऑलमोस्ट सपोर्ट एरिया के पास आती है, यहाँ पर अपने को एंगल्फिंग कैंडल मिलती है। अब यहाँ से अपने को बाइंग बनानी है, स्टॉप लॉस अपना सेम नीचे की तरफ। अब अगेन प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है और जाकर के हमारा ऑलमोस्ट स्विंग हाई को जो हमारा लगा हुआ है ये टेस्ट करती है, एंगल्फिंग कैंडल देती है, एग्जिट यहाँ पर अपने को करना होता है। अगेन देखिए मार्केट सेम इसी लेवल पर आती है और फाइनली एक रेंज के बाद एक अच्छी मूव देती है। अब ये जो मूव थी, इस मूव में कई लोगों ने सोचा ये वाला ब्रेकआउट है, बट मेरे भाई ये ब्रेकआउट नहीं है। मैं आपको यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर कोई ब्रेकआउट नहीं था। कई लोगों के लिए ये ब्रेकआउट बन चुका था, कई लोग यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए समझ रहे थे। उनका जो देखिए उन्होंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी वो ट्रेंड लाइन इस तरीके से थी कि ये देखिए सर यहाँ पर तो ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ पर उन्होंने ब्रेकआउट दिखा दिया।
कभी भी ध्यान रखिए, अगर आप लेवल ड्रॉ कर रहे हैं तो जो भी प्रीवियस जो पिछले जो यहाँ पर स्विंग हाई लगे हुए हैं उनको पकड़ना होता है। तो मेरे को अगर स्विंग हाई पकड़ना होगा तो मेरा पहला स्विंग हाई ये वाला होगा, क्योंकि देखिए चलिए यहाँ पर तो ब्रेकआउट ही हो रहा है, हम इसको छोड़ देते हैं, सॉरी यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, मतलब जो मेरे नजदीकी जो लेवल्स होंगे उन सभी लेवल्स को मैं यहाँ पर टेस्ट कराऊंगा। जैसे ये लेवल मेरा टेस्ट हो रहा है, देखिए यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन स्टार्ट कर रहा हूँ, ये लेवल टेस्ट हो रहा है, ये लेवल टेस्ट हो रहा है, ये लेवल ऑलमोस्ट टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट हो रहा है और यहाँ पर ये टेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से नजदीकी लेवल्स टेस्ट कराने होते हैं अपने को, एग्जैक्ट यहाँ से नहीं उठाने की जरूरत है, यहाँ से अगर उठाएंगे तो फिर अपने को जो हाईएस्ट पॉइंट है वो टेस्ट कराने की जरूरत होती है। तो इन चीजों को ध्यान से किया करिए, अगर आप फेक ब्रेकआउट के चक्कर में फंसेंगे तो बहुत बुरी तरह से यहाँ पर ट्रैप होने वाले हैं। फाइनली देखिए, अगर मैं कहता हूं कि यहां पर चलिए आपने ब्रेकआउट देख भी लिया कि यहां पर ब्रेकआउट है, तो यहां पर ये चीज ध्यान दीजिए कि अभी डे हाई ब्रेक नहीं हुआ है, यहां पर मार्केट एग्जैक्ट 252-253 के आसपास से यहां से रिवर्स हो गई थी, तो यहां पर डे हाई ब्रेक नहीं हुआ है। अब इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला लेवल है जो हमारे पास प्रीवियस डे का हाई लगा हुआ है, और ये वाला लेवल है जो हमारा प्रीवियस डे का लो लगा हुआ है। अब इसके यहां पर जब भी मार्केट आपको इस रेजिस्टेंस एरिया पर मिलती है सेलिंग के लिए देखना है, और यहां पर सपोर्ट एरिया पर मिलती है तो छोटी क्वांटिटी से बाइंग के लिए देखना है, क्योंकि ओवरऑल जो बड़ा ट्रेंड है हमारा वो ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है। सो यहां पर अगर हम सेलिंग के लिए जाएंगे तो हमको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, मतलब प्रॉफिट फास्ट भी मिलेगा। अब यहां से देखिए क्या हो सकता है कल के लिए सिनेरियो। अब यहां पर मैं नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, और एक ट्रेंड लाइन, अब इस ट्रेंड लाइन का काम नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी दो लेवल टेस्टेड हैं, तो मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से फिलहाल हटा देता हूँ। अब यहाँ से देखिए मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होती है तो किस तरीके से मार्केट जा सकती है, मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद जाकर के इस लेवल को टेस्ट करे, अब ये हमारा बन जाएगा ट्रिपल टॉप पैटर्न। अब यहाँ से जब ये प्रीवियस स्विंग को निकालेगी और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करेगी, मतलब क्या है प्रीवियस स्विंग और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, तो यहाँ पर सेम कैंडल, ये चीज ध्यान रखना है, सेम कैंडल अगर ब्रेक डाउन करती है तो वो वाली बहुत अच्छी मूव हो सकती है, अदरवाइज जो प्रीवियस स्विंग होगा इस प्रीवियस स्विंग को यहाँ पर टेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ क्यों निकल सकती है, नीचे की तरफ क्यों नहीं जा सकती है, जो मोस्ट पॉसिबिलिटी है वो ऊपर की तरफ जाने की है। क्यों जाने की है, क्योंकि यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट टेस्टिंग है, यहाँ पर हमारी सेकंड टेस्टिंग है और थर्ड टेस्टिंग कोई नहीं हुई है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी लेवल है ना, ऐसे ये एक टेस्टिंग हो गई, ये दो टेस्टिंग हो गई, ये तीसरी टेस्टिंग हो गई, तो ये तीसरी बार ब्रेक नहीं कर देगा, इसको कम से कम चौथी पांचवीं बार में आकर के ये लेवल ब्रेक होगा। तो ये चीज़ नज़र में रखा करिए, ये चीज़ देखा करिए, कोई भी अगर ट्रेंड लाइन है तो कितनी बार टेस्टिंग वहां पर हो चुकी है, ये ट्रेंड लाइन सिर्फ एक बार टेस्ट हुई है और आज यहां पर दो बार टेस्ट हुई है। अब यहां पर हमने देखना है कि तीसरी बार से मार्केट जब भी यहां पर आएगी, मान लीजिए इस तरीके से जाके यहां पर आती है, तो यहां से क्या होगा, यहां से प्राइस नीचे की तरफ भी आएगा, जो प्रीवियस स्विंग लो होगा इस प्रीवियस स्विंग लो को मार्केट टेस्ट करेगी और फाइनली ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। या अगर ऊपर की तरफ नहीं भी जाती है तो यहां पर जाकर के ये वाला लेवल फिर टेस्ट करेगी। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर इसको मैं थोड़ा पीछे करूं, यहां पर एक स्विंग है, दो स्विंग हो गई, तीन स्विंग हो गए, तो यहां चौथा स्विंग बनेगा और पांचवें में भी ब्रेकआउट हो सकता है। अब देखिए, अब यहां पर ये लेवल देखना है और नीचे की ट्रेंड लाइन देखनी है, ऊपर कितनी बार टेस्ट हो रहा है और नीचे कितनी बार टेस्ट हो रहा है। अगर ऊपर मल्टीपल टेस्टिंग है तो ऊपर ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, नीचे की तरफ टेस्टिंग है तो नीचे ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम एक रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, इस चीज को समझिए। अगर हम यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं तो अपने को प्रॉफिट, बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं जाना है, क्योंकि अपने को जस्ट थोड़ी थोड़ी दूरी पर अपने को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं, यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दूरी पर अपने को रेजिस्टेंस मिलेंगे। सो यहाँ पर जब भी अपने को बाइंग के लिए जाना है तो क्वांटिटी कम रखनी है, क्वांटिटी देखिए आप अपने रिस्क के हिसाब से क्वांटिटी कर सकते हैं, बट प्रॉफिट छोटे छोटे यहाँ पर बुक कर लेने हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप यहाँ पर प्राइस पहुंच गया, फिर यहाँ पर आपको सिग्नल भी मिल रहा है एंगल्फिंग कैंडल का, तब भी आपने होल्ड किया हुआ है, तो प्राइस तो नीचे की तरफ आएगा ना, आपका सारा प्रॉफिट जो है खत्म हो जाएगा। तो ये सारे लेवल मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, ये सारे लेवल जो है हमारे पास रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं, तो यहाँ पर थोड़ा संभल के ट्रेड करिएगा। यहाँ पर जब भी मार्केट आएगी यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी और प्रीवियस स्विंग लो तक जा सकती है, तो यहाँ पर ये सारे लेवल जो है ध्यान से ट्रेड करिएगा। ये मतलब देखिए, अब लेवल के बताना, ये जो पिछले स्विंग है बस इसको स्विंग को पकड़िए और यहाँ पर इस तरीके से लेवल ड्रॉ कर लीजिए, ये सारे हमारे रेजिस्टेंस एरिया हो गए। अब मैं बताया तो आपको 35,880 के आसपास मान लीजिए, 35,980 के आसपास मान लीजिए और 36,080 के पास, मतलब सारे 80 हैं, 35,080 और 35,880, 35,980 और 36,080, ये सारे लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं। मार्केट जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगी तो ऑलमोस्ट ये सभी लेवल टेस्ट होंगे, बट वो सारे लेवल स्विंग के साथ टेस्ट होंगे, ठीक है। तो ये चीज भी नजर बना के रखिएगा। तो अगर यहाँ पर मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, यहाँ पर समझ लीजिए अगर यहाँ पर 4-5 टेस्टिंग हो गई, फाइनली यहाँ पर ब्रेक डाउन करती है अगर, तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने का तरीका क्या होता है, एक टेस्ट हो गया, दो टेस्ट हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और यहाँ पर अगर पांचवें में नहीं हुआ,
ऊपर जाकर के ये छेवीं ब्रेक हो रहा है, तब बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि ये जो हमारा प्रीवियस स्विंग है जहां से पांचवीं टेस्टिंग हुई थी कि यहां से बाउंस बैक हो जाएगा। अगर ये सिक्स्थ टाइम है तो यहां पर प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ आ जाएगा, बट अगर ये थर्ड टाइम है तो यहां प्राइस नीचे स्विंग से रिवर्स हो जाएगा, अगर ये फोर्थ टाइम है तो ये स्विंग से रिवर्स हो जाएगा, फिफ्थ टाइम है तो मे भी नीचे की तरफ आ सकता है, बट जो पांचवीं छठवीं बार की जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मोस्टली सक्सेसफुल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना है क्योंकि मार्केट रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रही है, अपने को बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से भी नहीं करना है। और देखिए मैंने भी मोस्टली 3 से 4 ट्रेड की, उसके बाद मैंने आपको एक यहाँ पर लेवल दिया था वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद शायद मैंने चार्ट अपडेट नहीं किया था वो समझा देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक बताया था कि मार्केट यहाँ पर कहाँ तक आ सकती है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताई थी, वो ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट इस तरीके की कुछ थी। तो यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद ऑलमोस्ट देखिए ये वाला जाके हाई टेस्ट किया और ये वाला हाई टेस्ट किया, इस हाई पर अपने को निकल जाना है क्योंकि यहाँ से अपने को, बट देखिए ये जो ब्रेकआउट हुआ ये ब्रेकआउट आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के पकड़ना होगा। जैसे मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करता हूँ, चार्ट जो है बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूँ 5 मिनट में 15 मिनट में, बट जो ट्रेडिंग है वो 1 मिनट में जाकर करता हूँ, तो मैं तो ये ब्रेकआउट पकड़ लूंगा, बट आपके लिए ये ब्रेकआउट पकड़ना मुश्किल है क्योंकि आप 5 मिनट को देख रहे हो और 5 मिनट का हाई ब्रेक होने पर ट्रेड करोगे तो आपका जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको भी 1 मिनट में करना है तो उसके लिए जाकर के आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उसके लिए सीखना होगा, समझना होगा, चीजें जाकर के समझनी होगी, चीजें कैसे काम करती हैं, ब्रेकआउट कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें जाकर के देखनी होगी। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।